देखिए आरएसएस वाले और बीजेपी वालों का ही काम ही है, जब भी कोई प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे और दूसरे पर थोपेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा आप ही लोग बताओ, जो चुनाव जीतता है वो तो खुद सोचता है कि हम जश्न मनाएं और हम आराम करें, अपने समर्थकों के बीच में मिलना जुलने काम करता है, वो दंगा नहीं करा सकता है। ज़्यादातर आप मनोवैज्ञानिक ढंग से जान लीजिए, अभी हम भी दो बार जिला पंचायत सदस्य हम चुनाव आजमगढ़ से जीते थे। चुनाव जीतने के बाद आदमी जानते हैं, जब फल डाल में लगता है तो झुक जाता है, तो जो चुनाव जीतता है वो जा करके लोगों से प्यार मोहब्बत करता है, लोगों से मिलता जुलता है। ये आरएसएस वाले गुंडागर्दी से नफरत देश को डाल करके भाजपा वाले देश को कहीं का नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो हालात बने हुए हैं बंगाल में, कौन है इसका जिम्मेदार? पूरी तरह से आरएसएस है, भाजपा के संयोजित सुनियोजित ये आरएसएस के गुंडे हैं। आरएसएस हमारे देश के नाम पर समझ लीजिए कि विद्रोह पैदा करके देश को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कलंक है। गृह मंत्रालय तो चिट्ठी लिख रहा है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी क्या चिट्ठी लिख रहा है? गृह मंत्रालय अगर इतना ही संवेदनशील रहता, बताइए गोधरा कांड करवा दिए, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ तो कांड ही कांड करवाए। आज तक हिंदू मुस्लिम इधर, अभी हिंदू मुस्लिम करा रहे थे, जब ये आंदोलन पर हम लोग किसान बैठे तो खालिस्तान लोगों को खालिस्तानी कह रहे थे, और जब हम लोग जो है कि यहाँ पर बैठे हरियाणा पंजाब, फिर नाटक लगाए क्या, बड़े काश्तकार छोटे काश्तकार में लड़ाने का काम, तो इनका ये सब षड्यंत्र होता है। हमेशा ये लास्ट पे राजनीति किए हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर, मंदिर उंदिर के नाम पर भी लास्ट पे चढ़ के ही ये सत्ता में हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनको जनता पूरी तरह से जान चुकी है, अब इनका कुछ नहीं चलना। लेकिन तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है बंगाल में, कितना सही है ये? तो एकदम 100% रॉन्ग है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप जा करके कानून अपने हाथ में लो। जो लोग भी कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कानून हाथ में ना लें और बेहतरीन ढंग से राष्ट्र का निर्माण करें और देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। पर ममता के बयान भी तो आए हैं ऐसे पहले रैलियों में कि देखा जाएगा जब हम जीत जाएंगे। देखिए अभी तो चुनाव हुआ है, वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, अभी तो पूरा पावर इलेक्शन कमीशन को है, जब तक कि नया गठन नहीं हो जाता है, जिस दिन अधिसूचना जारी होती है और सरकार के गठन तक पूरी कमान इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है। इस समय टोटल उसकी कमांडिंग भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है, टोटल इस समय पावर बंगाल की गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है, तो अगर वहाँ कुछ भी हो रहा है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भारत सरकार का गृह मंत्रालय है। तो ममता बनर्जी को बदनाम किया इस समय? तो ममता बनर्जी तो भाई इस समय चुनाव लड़ी है, कल शपथ ग्रहण हो गया, ममता जी बैठी हैं, उनके पास अनुभव है, तीन बार का अनुभव है, और वो अपने प्रशासनिक क्षमता जो भी होगी, ऐसे मैं ममता बनर्जी जी को विनम्र निवेदन के साथ कहता हूँ, जो भी वहाँ पर दुष्चरित्र है, चाहे अपनी पार्टी के हो चाहे कोई भी हो, जो भी देश को में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बंगाल को पूरा स्वच्छ प्रशासन दिया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल को स्वच्छ प्रशासन देने में कामयाब। यादव जी चुनाव के दौरान तो दोनों पार्टियों के नेता कहते रहे कि बदला टीएमसी के गुंडों, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को जेल में डाला जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। जी देखिए ये तो हमेशा एक इनका स्टैंड रहता है, बीजेपी वालों का हमेशा स्टैंड रहता है बदले की भावना। अभी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ यादव एंटी का, एससी में हरिजन एंटी की बात करेंगे, अभी यहाँ जाएंगे पंजाब में जाएंगे तो सिख एंटी, उनको एंटी बना देंगे, अभी इस दिल्ली और बम्बई में जाएंगे तो एंटी मुस्लिम करने लगेंगे। इनका तो काम ही ये सब है, ये सब इनका षड्यंत्र नहीं चलने वाला। जो बंगाल में जो नतीजे आए हैं, किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े नतीजे आएंगे ममता बनर्जी के पक्ष में। मैं देखिए कितना योगदान मानते हैं किसान भी वहां पर गए। मैं देखिए कई बार आपसे कह रहा हूँ, कई दिनों से भी ये चीज़ उठाया हूँ, आपका चैनल पूरे भारत लेवल पर उठाया है। वहाँ पर देखिए ये चुनाव जो बंगाल में हुआ है, हमारे किसान नेता भी वहाँ गए, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, हम किसी पार्टी लेवल पर नहीं गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ अत्याचार हुआ, उनके पैर में चोट मारी गई, उनके वोट लूटने का प्रयास किया गया, उनके ईवीएम में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, तो हमारा किसान आंदोलन स्पष्ट कह चुका है जहाँ भी जिसके साथ अत्याचार होगा हम वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए अपने किसान सैनिक जाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। तो हम लोगों ने न्याय दिलाया और उनकी प्रचंड बहुमत हुई, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो कायदे से स्वच्छ प्रशासन। तो उस बहुमत में किसानों का भी योगदान है हम मानते हैं। भाई किसान तो हमारा, देखिए एक बात है, ये आंदोलन चल रहा है ना, यहाँ पर एक जो भोजन बनाने वाला है,
जो यहाँ पर झाड़ू मारने वाला है, जो यहाँ पर टेंट लगाने वाला है, माइक लगाने वाला है, वक्ता है, वॉलंटियर है, सभी लोगों का बराबर का हम योगदान मानते हैं। तो वहाँ के जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, इनके कुचक्र के, बीजेपी के जो दुस्साहस के खिलाफ में वहाँ किसान हमारे गए, वहाँ मजदूर गए, तो सभी लोगों की भूमिकाएं मानते। लेकिन यादव जी, यूपी में जिला पंचायत चुनाव हुए, उनके नतीजे भी आए, लेकिन जो उम्मीद थी किसान नेताओं को कि बीजेपी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, ऐसे नहीं हुआ, लोगों ने अपनाया बीजेपी को। अभी ऐसा है मेरे भाई, आप जानते हैं, अगर ऐसा देखा जाए, ये चुनाव चूँकि पंचायत जो चुनाव होता है ये स्थानीय लेवल पर लड़ा जाता है, कुछ पार्टियां अपने अपने समर्थन भी करती हैं, कुछ ऐसे ही हम भी चूँकि जिला पंचायत समर्थक खड़े करती हैं, हम भी जिला पंचायत सदस्य रहे, हम वहाँ के अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जिला पंचायत, हम भी निर्दल से ही चुनाव जीते हैं, दो बार अगर जीते भी थे तो निर्दल से ही चुनाव जीते थे। तो मेरा कहना है कि मकसद है मेरे भाई, आप लोग आज से जान लीजिए, ये चुनाव जो है स्थानीय लेवल पर लड़ा जाता है, लेकिन पार्टियाँ कुछ कैंडिडेटों को अधिकृत करती है। यहाँ तो जितनी पार्टियों के कैंडिडेट जीते हैं उसका दुगना तो निर्दल चुनाव जीते हैं, और निर्दल ही जिसके बन चाहेंगे जिला पंचायत में सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी वालों को सरकार में रहते हुए धन बल का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक प्रयोग करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए जो चुनाव लड़े हैं, इनको जनता ने सबक दिया है, इनको जाके के निर्दलीय सपा के बाद तीसरे स्थान पर पहुँच गए, पहले स्थान पर निर्दल है, पहले स्थान पर तो निर्दल है, पार्टियों में तो पार्टियों में भाई ठीक है, जब निर्दल सब जीत गए तो आठी पार्टी कहाँ रहेगी इस चुनाव में, ठीक है। लेकिन पर आपने कह दिया अध्यक्ष तो बीजेपी की बनेंगे, आपने सारे सारों में देखिए, वो तो उनका प्रशासनिक अमला है, वो तो गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे, लोगों को खरीदने का प्रयास करेंगे, लोगों को डराने का प्रयास करेंगे, प्रशासनिक क्षमता का प्रयास करेंगे। जो बेचारे थोड़े कम दिल वाले होते हैं, मजबूत दिल वाले नहीं होते, वो थोड़ा सा इनके गुंडागर्दी में आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि उत्तर प्रदेश एक लड़ाकू धरती है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वगैरह, बलिया वगैरह ले करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह ले, ये सब लड़ाकू धरती है। हमारे जिला पंचायत जो भी चुनाव जीत के गए हैं वो मजबूती के साथ इनका मुकाबला करेंगे, चाहे निर्दल हो चाहे किसान। तो कहते हैं कि एक भी नहीं जीतेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि स्थानीय चुनाव होता है, 606 तो 1300 से ऊपर तो निर्दल चुनाव जीते हैं, तो हम तो कहते हैं निर्दल की सरकार बना दो ना भाई, क्या जरूरत इन लोगों को सरकार बनाने, कोई पैसा होगा, वही बात है, पैसा कोई क्या चुनाव पैसे से, यही लोकतंत्र है। जिला अध्यक्ष का चुनाव भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चुनाव हुए हैं बिना पैसे के हुए हैं, हम लोग तो दो बार, मैं तो जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, आप लोग आजमगढ़ में जाकर पता कर लिए, कोई अगर बता दे कि एक रुपया भी कभी हम लोग लिए हो चुनाव में, एक ईमानदारी होती है जो इस तरह से चुनाव में जाता है बिना पैसे का वोटिंग करता है, वो गांव में काम कराता है, जो लोग पैसा ले लें काम क्या कराएं। पर यादव जी सोचने वाली बात ना, जितनी गिरावट सोच रहे उतनी नहीं आई ना यूपी में खासकर। देखिए एक बात बता दें आपसे, चूंकि हमने आपसे बताया कि जो जिला पंचायत का चुनाव होता है सरकार का चुनाव होता है, सरकार उसमें धन बल का प्रयोग करती है, बाहुबल का प्रयोग करती है, लेकिन सबको प्रयोग करते हुए निर्दल और सपा के पास तीसरे नंबर पर गई कि नहीं गई, तो फिर कहाँ चुनाव जीती, कहीं भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की हैसियत में नहीं। लेकिन तोड़ जोड़ ये जो हमारे पैसा लूट लूट करके, पूरा भारत देश का पैसा लूट लूट करके रखे हैं, अब उसी पैसे का प्रयोग करके जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने का।